सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में बात करूंगा वेरिकोज सील के बारे में। तो आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि 100 की एक बात करूंगा मैं। तो मोटी मोटी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपनी लाइफ से, मतलब जब तक डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो ना, तब तक खड़ा होना ठीक है। ज़्यादा देर क्या मतलब, ठीक है अगर आप खड़े हो कहीं तो चल लो, ठीक है उससे अच्छा बैठना। अब बैठना क्या, आप कहोगे बैठ के तो भाई पानी पीते हैं, खाना खाते हैं हम, जो भी है इनको सबको छोड़ दे, ठीक है। सुबह नींबू पानी पीते हो, ठीक है, 3 टाइम का खाना खाते हो, कहीं बाहर चले जाते हो, तो वो चीज़ अगर बाहर ऐसे ही जा रहे हो मज़े के लिए तो वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जब हम बैठते हैं, ठीक है, और वो ब्लड पूल होने लगता है, जैसे वेंस मतलब स्वेलिंग आती है और वो खून जो होता है इकट्ठा होता है और नसों को सूजन और ज़्यादा बढ़ाता है वो, तो वो चीज़ छोड़ दो। अब 100 की एक बात इसमें ये है ना, आपको लेटना है, ठीक है, लेटना है और वॉक करनी है, इन दो को गांठ बांध लो, लेटना है और वॉक करनी है पूरे दिन में, ठीक है, यही करना है। अगर कोई बाहर चले गए हो, कोई भी काम आ गया आपको, ठीक है, या कोई बुला गया है, वो इमरजेंसी एक अलग होगी, ठीक है, इमरजेंसी एक अलग होगी। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, कोई बुला लेता था, कोई टीचर बुला लेता था तो वहाँ खड़ा होना पड़ता था, तो वो बात एक अलग है, ठीक है। अब ऐसे इमरजेंसी में छोड़ के, ठीक है, कहीं मज़े के लिए आप बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ गलत है ना, तो इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपके, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, आप सभी जानते हो, ठीक है, कैसे हम लोग डाइट फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ बहुत मायने रखती है। तो 100 की एक यही बोलूँगा कि आप लोगों को लेटना है और वॉक करनी है, ये दो चीज़ें करनी है, ठीक है। कहीं भी नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो लेट जाओ, ठीक है, पानी पिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठूस के किसी ने पानी नहीं पीना, ना खाना खाना है, ठीक है, अगर खाना खाया है ऐसा कुछ तो लेट जाना है उसी टाइम नहीं, मतलब 10-15 मिनट में लेट जाना है, ठीक है, या मतलब हाथ से यूँ थोड़ा टेढ़े नहीं होते वैसे हो जाना, ठीक है, तो वही हिसाब है। जैसे एक कमेंट आया कि उनकी शादी होगी, ठीक है, तो वो सेक्स कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरी राय ये है कि मत करो। अब कुछ भाई खिलाफ़ हो जाएंगे कि आप तो मना कर रहे हो भाई, कुछ नहीं होता इससे तो कोई मतलब मेडिकली वो नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, तो जो डाइट फॉलो कर रहा है वो ना करे मेरे हिसाब से, ठीक है, कि मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही कर लो यार, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए रोकोगे आप, ठीक है, मान लो अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ये करते जा रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, वेंस की स्वेलिंग होगी। मान लो आपने किया, ठीक है, उसके बाद कोई एक्टिविटी कर ली दूसरी, या हैवी वर्क कर लिया, या वॉक ज़्यादा टाइम के लिए कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग बढ़ेगी। मतलब ये तो वो इफेक्ट कि उससे वेरिकोसिल ठीक नहीं होएगी अगर आप कर रहे हो ये सब, ठीक है, तो उससे वेरिकोसिल ठीक नहीं होगी। अपने पार्टनर को बोलो कि कुछ मतलब टाइम मेरे पास इतना है तो मेरे को ठीक करना है पहले खुद को, और फिर मैं हम मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ऐसा है आपका पार्टनर भी आपको समझेगा, तो ऐसा है कि दोनों मिलकर चलोगे तो आप ठीक कर लोगे और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये चीज़ है। जिसको मानना है वो मानेगा, ठीक है, जिसको नहीं मानना वो ना माने, तो वही हिसाब है। स्पर्म को हमें स्टोर करना है, ठीक है, उसको बर्बाद नहीं करना हमें, तो इसलिए मेरे हिसाब से मत करो, ठीक है, तो वही बात है। अब दूसरी बात ये आई कि सपोर्टर क्यों नहीं पहनना, सपोर्टर या टाइट नहीं पहनना आपको, ठीक है, और ज़्यादा हार्ड होता है ना, जो मतलब मोटे कपड़े का बना होता है, एक ऊन वाला, मतलब ऊन का क्या मतलब, एक गर्म कपड़ा होता है वैसे वाला नहीं पहनना, ठीक है। अब पहनेंगे वही जिसको हैंगिंग ज़्यादा है, ठीक है, अब हैंगिंग ज़्यादा है वैसे सपोर्टर में अलाउ नहीं करूँगा, वो मत पहनो मेरे हिसाब से, तो ठीक है, अगर हाँ आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और हैंगिंग है या लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हो कहीं या खड़ा होना है, तो अंडरवेयर गीला करके पहनो, गीला वाला अंडरवेयर ज़्यादा इफेक्टिव है सपोर्टर की बजाय मेरे हिसाब से, ठीक है, तो वो रिलीफ ज़्यादा देगा। अब ठंड आ गई है नॉर्थ इंडिया के हो अगर आप, तो वो ज़्यादा रिलीफ देगा आपको, और सपोर्टर का प्रयोग कम ही करो, ठीक है, क्योंकि वो टाइट करता है, ठीक है, हमारे स्क्रॉटम को, और जैसे वेंस होती है ना वो इतनी मतलब कंप्रेस हो जाती है कि उससे ब्लड सर्कुलेशन मतलब मुश्किल से हो पाता है। कभी आपने देखा जब हमारा स्क्रॉटम श्रिंक नहीं हो रखा होता तो नसें बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना सही से दिख रही होती है, बिल्कुल हाथ लगा के देखते हैं कितनी सूजन है, कौन सी नस कहाँ से घुस रही है, मतलब वैसे एग्जैक्ट नहीं पता होता 3D, पर एक पता तो लगता है कितनी सूजी है, और जब वो श्रिंक होता है समझो कि मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब टेस्टिस ही ऊपर है और नसों का पता नहीं लगता कहाँ पर है, तो वो चीज़ मतलब इतनी कॉम्प्रेस हो जाती है, आप खुद ही इमेजिन करो ना, मतलब वो टेस्टिस बिल्कुल ऊपर आ गए तो नसों का क्या होगा, वो मतलब जैसे मुट्ठी में पकड़ लिया किसी ने कस के वैसे होगा, और वो ब्लड सर्कुलेशन को कम करेगा, ठीक है, रोकेगा, तो वो चीज़ नुकसान देती है, ठीक है, तो वही है यार, सपोर्टर का कम ही प्रयोग करो, ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से मत करो, गीला अंडरवेयर करो, तो वही हिसाब है। बैठना नहीं है ज़्यादा देर, ठीक है, खड़े नहीं होना, वॉक करो और लेटो, यही दो काम करो तो इससे इंप्रूवमेंट ज़्यादा आएगी, ठीक है। सुबह दलिया या ओट्स लो, ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में,